अगर आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, उन इंजीनियरिंग कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या होती है, यानी कि वे इंजीनियरिंग कोर्सेज कितने समय में कम्प्लीट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य क्या क्या होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या क्या कार्य करने होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरीके से बन सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य: सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करना, उनका टेस्टिंग करना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करना। इसके अलावा और भी कार्य करने होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या होती है, और उन कोर्सेज को करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नंबर वन, BCA, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक 3 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है। जिस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं, यानी कि इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस कोर्स को करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। 10+2 में आपके पास कोई भी स्ट्रीम है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से कम्प्लीट किया है, यानी कि कॉमर्स से कम्प्लीट किया है, या फिर साइंस स्ट्रीम से कम्प्लीट किया है, या फिर आर्ट्स से कम्प्लीट किया है, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। नंबर टू, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। बीटेक एक 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर साइंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम यानी कि PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, बीटेक इन IT, यानी कि बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो 12th यानी कि 10+2 कंप्लीट होना ज़रूरी है। 10+2 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। नंबर 4, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ये एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 से 3 साल का होता है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। आफ्टर 10th आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को आफ्टर 10th करते हैं तो 3 साल में कंप्लीट होता है। अगर आप इस कोर्स को 12th के बाद लेटरल एंट्री से करते हैं तो ये कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर एंट्री से 12th के बाद भी करते हैं तो ये कोर्स 3 साल में कंप्लीट होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर आप इस कोर्स को 10th के बाद करते हैं तो 3 साल में कंप्लीट होगा, अगर आप इस कोर्स को रेगुलर एंट्री के साथ 12th के बाद भी करते हैं तो 3 साल में, लेकिन अगर आप लेटरल एंट्री लेते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में आफ्टर 12th, तो ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 5 है डिप्लोमा इन IT, यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 से 3 साल का होता है। अगर आप इस कोर्स को आफ्टर 10th करते हैं तो 3 साल में कंप्लीट होता है। अगर आप इस कोर्स को आफ्टर 12th करते हैं लेटरल एंट्री से तो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसे 12th के बाद करते हैं तो 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th में आपके पास साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। नंबर 6, BSc इन कंप्यूटर साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। 10+2 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर साइंस के फील्ड में करियर बना सकते हैं, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। नंबर 7,
MCA, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि 2 से 3 साल में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को करने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन आर्ट स्ट्रीम से किया है या फिर कॉमर्स से किया है या फिर साइंस स्ट्रीम से किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीटेक कोर्स किया है या फिर बीए कोर्स किया है या फिर बीकॉम किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को रेगुलर एंट्री से करते हैं तो 3 साल में कंप्लीट होता है। अगर आप इस कोर्स को लेटरल एंट्री से करते हैं तो ये 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। नंबर 8, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमटेक, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि 2 साल यानी कि 2 ईयर्स में कंप्लीट होता है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके पास बीटेक या फिर बीए की डिग्री होना ज़रूरी है। आफ्टर बीटेक या फिर आफ्टर बी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की फील्ड में करियर बना सकते हैं, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। हमने टोटल 8 यानी कि 8 इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात की है। इनमें से जो कोर्स आपको सही लगे आप उस कोर्स को कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी कि कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना 12th कंप्लीट कीजिए यानी कि 10+2 एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। 10+2 ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि PCM एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कीजिए। अच्छे तरीके से 12th को कंप्लीट कीजिए। उसी के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कीजिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर अच्छी पकड़ बनाइए। उसी के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप अपने कोर्स यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। अगर आप सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूर बन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब पर, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।